हाय दोस्तों, आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं फॉर्म नंबर 16। अगर आप एक एम्प्लॉई है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने पर एम्प्लॉयर जो आपको फॉर्म 16 देता है, फॉर्म 16 के अंदर आपका जो भी साल भर में जो भी TDS कटा है, TDS इन द सेंस इनकम टैक्स, जो आप इनकम आपका जनरेट हुआ है, जो आपने अर्न किया है, उसके ऊपर जो TDS कटा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया गया है, उसकी स्टेटमेंट दिया जाता है आपका एम्प्लॉयर के द्वारा। और ये फॉर्म नंबर 16 जो मेरे हाथ में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कई लोगों को बेसिक पता नहीं चलता और वो क्या सोचता है कि मैं CA के पास जाऊँ या किसी के पास जाऊँ। किसी के पास जाने का कुछ कीमत होता है, वो कई बार महंगा पड़ जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। फर्स्ट में नाम आता है, सेकंड में नेम ऑफ एम्प्लॉयर आता है, उसका नाम आता है, एड्रेस आता है, उसके बाद पैन कार्ड आता है। ये सब बेसिक डिटेल आपको समझ में आ जाता है, किसने कटाया है वो समझ में आता है। ये जो समझने वाली बात है, जहाँ पे जो मैं मेरा कर्सर है, असेसमेंट ईयर 2023-24। हमेशा सोचेंगे कि जो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए स्टेटमेंट है, उसका असेसमेंट ईयर एक साल आगे होता है। और इसमें लिखा है टैक्स ऑप्शन ओल्ड, मतलब ओल्ड टैक्स के भी दो सिस्टम बनाया होगा। जो लास्ट जो फाइनेंशियल मीटिंग थे, जो बजट थे, तो उसमें ओल्ड एक नया कॉन्सेप्ट आया लाया था इनकम टैक्स रिटर्न का, और ये जो है पुराना कॉन्सेप्ट में है। तो एम्प्लॉयर आपको पुराने फॉर्मेट में दे रहे हैं, आप IT रिटर्न भरेंगे तो नए पुराने फॉर्मेट में भरेंगे। पीरियड जो दिखा रहा है वो 1/4/2022 से लेके 31/3/2023, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया है उन्हीं का दिया गया है। इससे जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये इसी दौरान के जो आपके TDS कटा है वही मेंशन रहेंगे। उसके नीचे आ जाएंगे तो क्या है, इसमें देखिए चार क्वार्टर दिया है, Q1, Q2, Q3, Q4, जो चार क्वार्टर दिया है, इन चारों क्वार्टर में कितना कितना अमाउंट कटा है वो अलग अलग से दिखा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में देखिए 6907 कटा है, और टोटल जो कटा है वो लास्ट में टोटल करके 37,434। इतना ही TDS आपका पूरा साल भर में कटा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। पार्ट बी में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है ज़्यादा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में है ग्रॉस सैलरी, जो आपकी टोटल सैलरी जनरेट हुआ है एम्प्लॉयर द्वारा जो रिटेन में है वो, जैसे इनका देखो 819753, 8 लाख प्लस इनका इनकम जनरेट हुआ है। और नीचे जो आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, हर साल कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है गवर्नमेंट की तरफ से है, जितना आपका इनकम जनरेट हुआ, जितना आपने अर्न किया, उसके ऊपर 50,000 रुपये इन्होंने छूट दिया कि 50,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो निकालने के बाद थर्ड पॉइंट में आता है लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 वो होता है, कुछ अलाउंसेस हमको मिलता है सैलरी के दौरान जिसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वो और टैक्स में कैलकुलेट कर लिया गया, तो वो कुछ 2200 रुपये जो है इन्होंने फिर माइनस कर दिया है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर आपको बैलेंस में दिखा रहे हैं। इनमें सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा तो बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कशन कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 10 में चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कॉलम में लिखा है ग्रॉस अमाउंट, क्वालिफाई अमाउंट एंड क्वालिफाई अमाउंट। ग्रॉस ये क्या है, जो 80 पॉइंट A में 80C के अंडर दिखा रहा है, 80C में आपका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या पेंशन खाते में कोई अमाउंट जमा किया है वो इसमें मेंशन होता है। देखिए इनके केस में 2,50,200 रुपये इन्होंने पेंशन खाते में जमा किया है। मुझे पता है इस एम्प्लॉयर का क्या है, इन्होंने पेंशन खाते में PPF फंड में इन्होंने पैसा जमा किया है जो 2,50,000 है, लेकिन क्वालिफाई अमाउंट 1.5 लाख बता रहा है। इसका मतलब 1.5 लाख रुपये ही मैक्सिमम आप इस खाते में जमा कर सकते हैं और छूट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा की अगर जमा करेंगे तो जमा कर सकते हैं लेकिन छूट नहीं मिलेगी। तो क्वालिफाई अमाउंट 1.5 लाख रुपये आपने अचीव करके, इसलिए सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में भी क्वालिफाई अमाउंट 1.5 लाख रुपये दिखा रहा है, मतलब आपका इस कॉलम में जितना करना था अमाउंट आपने छूट लेना था ले लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में आ जाएंगे तो उसमें क्या, जितना आपका टैक्स लग रहा था जितना अमाउंट के ऊपर, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये माइनस करके 6,17,000 कुछ अमाउंट बच रहा है, इतने के ऊपर आपका टैक्स बन रहा है 35,000 कुछ, और एजुकेशन सेस मिला के आपका टैक्स बन जाता है 37,700
34। तो ये है आपकी जो TDS कटा है, ये लास्ट 15 नंबर पॉइंट में जो दिखा यही TDS कटा है, यही ऊपर में जो दिखा था कुछ चारों क्वार्टर में जो कटा है उसका टोटल में यही होता है। एक बार ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ। जो जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर जो पॉइंट नंबर 15 है, इस पॉइंट नंबर 15 में लिखा टैक्स पेएबल 12+13, इसके अंदर जो अमाउंट होगा यही अमाउंट आपको TDS कटा है, इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो इसी अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हैं, या तो अगर सही कटा है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं और आपको एक्नोलेजमेंट दे सकते हैं IT डिपार्टमेंट का, हाँ मेरा सही कटा है। इस अमाउंट इस में अगर आप राइट साइड में मैंने जीरो लिख दिया, इसका मतलब अगर इस कॉलम में आपका जीरो है, किसी कारण किसी किसी का जीरो होता है, अगर जीरो है तो आप मान लीजिए कि आपका कोई TDS नहीं कटा है, आपका कोई इनकम टैक्स नहीं कटा।